हे गाइस आप लोग कैसे हो टेक समर YouTube चैनल से मैं सम्राट। तो इन्फिनिक्स जो है इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा एंड एग्रेसिव काम कर रहे हैं। मोटोरोला का बात और एक ब्रांड देख रहे हो जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो रिसेंटली जो है इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स का हॉट 10 सीरीज के अंदर से हॉट 10 एस लॉन्च किया। तो सेम टाइम जो है इन्फिनिक्स ने कुछ दिन बाद ही जो है हॉट 10 एस लॉन्च करने के बाद ही नोट 10 भी लॉन्च किया एंड नोट 10 प्रो भी लॉन्च किया। तो हॉट 10 एस 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल के साथ आपको 10,000 रुपये में देखने को मिलेगा। सेम टाइम जो है इन्फिनिक्स का नोट 10 जो है आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल के साथ 11,000। दोनों फोन के अंदर 1,000 रुपये का डिफरेंस तो है। आपको कौन सा फोन लेना चाहिए वो आपको जानने को मिल जाएगा आप खुद से, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो में बेसिक क्या डिफरेंस है दोनों फोन के अंदर ये आपको जानने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन में बहुत ही सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगा दोनों फोन के अंदर। तो चलिए देख लेते कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को देखेंगे तो इन्फिनिक्स का नोट 10 का डिजाइन अगर देखेंगे अभी के टाइम के अंदर 11,000-12,000 सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छा डिजाइन यही है। मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा ये डिजाइन, बहुत ही प्यारा है डिजाइन एंड पर्सनली मुझको ये डिजाइन अभी टाइम के अंदर सबसे अच्छा लगा। वीवो V20 का डिजाइन के साथ काफी सिमिलरिटी भी आपको देखने को मिलेगा। सेम टाइम इन्फिनिक्स का हॉट 10 एस का डिजाइन भी पीछे नहीं है, ये डिजाइन भी काफी अच्छा प्लास्टिक भी डिजाइन है, ग्लासिक फिनिश के साथ अच्छा ग्रिप भी आपको हाथ में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो दोनों फोन का डिजाइन ही मुझको अच्छा लगा, बट डिजाइन जो पर्सनल प्रेफरेंस के अंदर आता है। तो आपको कौन सा फोन का डिजाइन अच्छा लगा हॉट 10 एस या नोट 10 का वो आप बोल पाएंगे। तो दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो नोट 10 में जो है आपको साइड फोन फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा जो ओवरऑल फोन को जो है काफी क्लीन लुक देता है। सेम टाइम जो है हॉट 10 एस में आपको पीछे फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा कैमरा बम की साइड में एंड दोनों ही जो है काफी रिस्पॉन्सिव आपको काम करते देखने को मिलेगा। इसका बाहर में दोनों ही डुअल सिम प्लस एचडी कार्ड सेम टाइम यूज कर पाएंगे बट सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक की तरह फीचर दोनों ही आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसका बाहर में जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा नोट 10 में, जब हॉट 10 एस में जो है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। सबसे एक प्यारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका बाहर में स्पीकर की बात करेंगे दोनों में नीचे स्पीकर भी देखने को मिलेगा बट नोट 10 जो है स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है। तो जो है फ्रंट में जो ईयरपीस का माइक है इसको भी जो है स्पीकर है सॉरी फ्रंट का जो ईयरपीस का स्पीकर है इसको डुअल स्टूडियो स्पीकर के तौर पर यूज किया जाता है नोट 10 में। तो ओवरऑल देखिए स्टूडियो स्पीकर का भी एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है नोट 10 के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट दोनों फोन का अगर डिस्प्ले को देखा जाए तो इसका जो हॉट 10 एस है इधर आपको एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले जो है ओवरऑल ठीक है बट फुल HD रेजोल्यूशन का होना चाहिए था तो और भी अच्छा होता इस बजट वाइज देखा जाए तो 90Hz का रिफ्रेश रेट में HD प्लस रेजोल्यूशन का साथ। सेम टाइम जो है आपको इन्फिनिक्स का नोट 10 में जो है आपको देखने को मिल जाएगा एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले बट 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो ओवरऑल डिस्प्ले कैटेगरी में देखिए थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा चला जाता है नोट 10 के अंदर। डिस्प्ले सेक्शन में भी देख सकते हैं एडवांटेज देखने को मिल रहा है नोट 10 की पास। तो दोस्तों वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना आप लोगों के साथ चाहता हूं। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते इसके लिए देखिए व्यूअर्स हिस्ट्री चैनल में सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने का पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको भी डेली बेसिस में हम लोगों का जो भी वीडियो देने वाला है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड हम लोगों का चैनल भी ओवरऑल में ग्रो करने में हेल्प होगा। एंड ये वीडियो का स्पेशली जो जितना हो सके ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक होगा ये वीडियो जो स्पेशली उतना ही ज्यादा ग्रो करने में हम लोगों को हेल्प होगा। दोस्तों दोनों फोन में जो है आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा एंड eMMC 5.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा, किसी भी UFS स्टोरेज आपको दोनों में सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों फोन का परफॉर्मेंस सेक्टर देखेंगे दोनों में मीडियाटेक हीलियो G85 आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इस बजट में जो है परफॉर्मेंस सेक्टर में नो डाउट दोनों फोन ही बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। गेमिंग बोलिए हाँ आप नॉर्मल जो भी गेमिंग खेलते हो पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम आराम से खेल पाएंगे मॉडरेट गेमिंग टाइम के ऊपर। सेम टाइम जो डेली नॉर्मल लाइफ में जो टास्क होता है मल्टीटास्किंग होता है ये भी आपको अच्छा खासा इधर होते देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर परफॉर्मेंस सेक्टर में दोनों फोन काफी अच्छा मिलेगा। कैमरा को देखेंगे प्राइमरी कैमरा जो है मतलब कैमरा सेटअप भी जो है कंप्लीट सेम है। प्राइमरी कैमरा दोनों में 48 MP का कैमरा है अपर्चर 1.8 के साथ। इसका बाहर में दोनों फोन में 2 2 MP का सेंसर है डेप्थ एक मैक्रो के लिए जो बेसिकली कोई काम का उतना नहीं है। तो 48 MP का ये जो सेंसर है डे लाइट कंडीशन में तो अच्छा फोटो क्लिक भी कर लेगा, लो लाइट में भी ओवरऑल आपको डिसेंट फोटो क्लिक करते देखने को मिल जाएगा जो आपको काम चलाने की तरह काफी अच्छे से काम हो जाएगा। इसका बाहर में इधर जो है आपको पोर्ट्रेट मोड बोलिए तो देखने को मिलेगा, HDR मोड तो है एंड डेडिकेटेड लो लाइट के लिए लो लाइट मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ लेकर कैमरा जो है काफी फीचर रिच है एंड UI भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में जो है 8 MP का सेल्फी शूटर
इन्फिनिक्स का हॉट 10 एस में देखने को मिलेगा, विद ड्यूअल फ्लैश भी देखने को मिलेगा सामने में, जो एक काफ़ी यूनिक चीज़ लगा। इतना छोटा बेजल की अंदर ही एक फ्लैश भी इंक्लूड किया इन्फिनिक्स। सेम टाइम इन्फिनिक्स नोट 10 में जो है आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोनों का परफॉर्मेंस देखिए मोर और लेस सिमिलर देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको पिक्सल काउंट में ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा नोट 10। तो ओवरऑल देखिए कैमरा सेगमेंट दोनों का काफी सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड जहाँ 2K तक वीडियो रिकॉर्ड आपको दोनों फोन से ही देखने को मिल जाएगा। या इसकी तरह फीचर दोनों में ही नहीं है, हालांकि इसका बाहर में स्लो मोशन टाइम स्लैप की तरह फीचर दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बैटरी सेगमेंट को देखेंगे तो इस सेगमेंट में थोड़ा आपको अलग अलग चीज सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। तो 5000mAh की बैटरी जो है इन्फिनिक्स का नोट 10 में देखने को मिल जाएगा, बट इन बॉक्स जो है 18W का चार्जर एडाप्टर देखने को मिलेगा विद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। तो सब कुछ लेकर जो है ये जो है बैटरी का चार्ज जो है ठीक ठाक ही काट पाएगा। सेम टाइम अगर हम लोग देखते हैं इन्फिनिक्स का हॉट 10 एस को तो ये फोन में जो है 6000mAh की बैटरी है। तो ये फोन में जो है इनबॉक्स 10W का चार्जर एडाप्टर दिया गया, ये चीज को मुझको अजीब लगा। मतलब 6000mAh की बैटरी या 10W का चार्जर एडाप्टर, ये चीज अच्छा नहीं लगा। हालांकि फोन जो है 18W का चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं तो इनबॉक्स देना चाहिए था 18W का चार्जर। तो 10W का चार्जर होने पर जो है ये फोन चार्ज होने में ऑलमोस्ट 4 आवर के आसपास लग जाएगा। जब ये जो इन्फिनिक्स का नोट 10 है ये फोन चार्ज होने में 5000mAh की बैटरी 1000mAh कम भी है तो सब कुछ लेकर 2 घंटे से 2 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर आपको चार्ज हो जाएगा। तो सब कुछ देखिए ओवरऑल बैटरी के मामले में मुझको जो लगता है हॉट 10 के पास नोट 10 के पास जो है ज्यादा एडवांटेज चला जाएगा। हालांकि हॉट 10 एस अगर लेते हो आप लोग तो ऑब्वियसली एक फास्ट चार्ज एडाप्टर बाहर से खरीद लेना 300 से 400 रुपया के अंदर आपको मिलते देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका बाहर में सॉफ्टवेयर देखते हैं, दोनों में XOS 7.6 आपको देखने को मिलेगा बेस ऑन एंड्रॉइड 11। तो XOS जो है पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है, बट आज भी जो है और भी इंप्रूव का जरूरत है। काफी अनवांटेड एप्स जो जरूरत नहीं है इसको रिमूव करना चाहिए। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट जो काफी खराब है, मतलब अनवांटेड जितना सारा एप्स है कुछ तो अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ये सबसे कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन को कस्टमली मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज काफी वियर्ड है। तो ये सब चीज को फिक्स करना चाहिए इंप्रूव से, तब जाकर जो ये यूआई जो और भी ज्यादा अच्छा हो पाएगा। हालांकि आज की टीम में काफी इंप्रूव है, बट काफी अनवांटेड फीचर अनवांटेड नोटिफिकेशन आ जाने की तरफ प्रॉब्लम ये सबको अभी भी झेलना आपको पड़ सकता है। तो ये है दोनों फोन का ओवरऑल कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में देखिए मेन सेक्शन में जो है ये दो फोन काफी सिमिलरिटी के साथ आ रहे हैं, जैसा परफॉर्मेंस कैमरा ये सब में सिमिलर है, बट इसका बाहर में डिस्प्ले में जो है हॉट 10 एस पीछे हो जाता है। तो आपको कौन सा फोन लेना चाहिए? तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियरली रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप 10000 रुपया देकर हॉट 10 एस लेंगे ना ओवरऑल जो है आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हॉट 10 एस में जो डिस्प्ले को तो आपको कंसीडर करना पड़ रहा है, बट कैमरा में कंसीडर नहीं करना पड़ रहा है, परफॉर्मेंस में भी कंसीडर नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज अगर आपको डिस्प्ले को कंसीडर कर सकते, मतलब आपको फुल एचडी डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप मैं बोल सकता हूँ हॉट 10 एस लीजिए। बट अगर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले चाहिए, एक थोड़ा प्रीमियम लुक भी चाहिए, उसके साथ फास्ट चार्जिंग का इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसका साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट स्टीरियो स्पीकर ये सब लगा 11000 रुपया में जो है इन्फिनिक्स का नोट 10 जो है बहुत ही अच्छा एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो डिसीजन आपको लेना है आप कौन सा फोन लेने जाएंगे, क्योंकि दोनों फोन ही अच्छा है दोनों प्राइस सेगमेंट। तो ये है मेरा थॉट, आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक दीजिएगा एंड हम लोगों का लाइक करके जो रखा गया फील कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए कमेंट कीजिए, कमेंट का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। एंड चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।